प्लांट्स एज फूड सोर्स इनडायरेक्टली ट्रांसफर द एनर्जी टू एनिमल्स। प्लांट्स जो हैं वो अपनी एनर्जी जो वो सूरज से लेते हैं जिससे वो फूड बनाते हैं उसको इनडायरेक्टली फिर ट्रांसफ़र करते हैं एनिमल्स में। कैसे कि पौधे तो डायरेक्टली सूरज से रोशनी लेके फूड बना लेते हैं, फिर उस फूड को एनिमल्स खाते हैं, तो फिर वो एनर्जी इनडायरेक्टली प्लांट से एनिमल्स में ट्रांसफ़र हो जाती है। मोर ओवर द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इफ़ेक्ट्स देयर स्किन कलर एंड साइट एक्सेट्रा। ठीक है, बहुत ऐसा है कि जो सनलाइट होती है ये एनिमल्स के स्किन कलर और देखने की सलाहियत को इफ़ेक्ट करती है। ठीक है, ज़्यादा देर से अगर रोशनी सही होगी तो वो सही से देख सकेंगे और उनका स्किन कलर भी इससे इफ़ेक्ट होता है। जहाँ पे ज़्यादा गर्मी होती है जिन एरियाज़ में, वहाँ के लोगों का कलर जो है वो थोड़ा डार्क होता है, और ये जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं जहाँ पे मौसम जो है वो उतना गर्म नहीं होता, वहाँ के लोगों की जो स्किन कलर है वो लाइट होता है। तो ये जो इंटेंसिटी होती है ना सूरज की, लाइट की इंटेंसिटी होती है, ये स्किन कलर और साइड पे इफ़ेक्ट पड़ता है, इसका बहुत सा इफ़ेक्ट होता है। ये देखें, ये हमारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स ऑफ हैबिटेट्स हैं। इफ़ सॉइल है, सनलाइट, एयर, वाटर एंड रेन। अभी तक हमने सनलाइट के बारे में पढ़ा है, आगे हम पढ़ते हैं नंबर टू, वाटर। वाटर इज़ द एसेंशियल कंपोनेंट इन द बॉडीज ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स इन डेफिनेट परसेंटेज विच इज़ नेसेसरी टू रिमेन हेल्दी। वाटर जो है, पानी जो है वो एसेंशियल मीन ज़रूरी कंपोनेंट है, ज़रूरी हिस्सा है तमाम जानदार चीज़ों की बॉडी का, ज़रूरी कंपोनेंट है, ज़रूरी हिस्सा है, और ये एक ख़ास मिकदार में, एक ख़ास परसेंटेज में हर एनिमल के अंदर मौजूद होता है, विच इज़ नेसेसरी टू रिमेन हेल्दी, जो कि उस एनिमल को, उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को हेल्दी रखने के लिए ज़रूरी है, उसको सेहतमंद रखने के लिए ज़रूरी है। इन ह्यूमन बीइंग्स, इंसान के अंदर वाटर हेल्प्स टू रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर। पानी जो है वो ह्यूमंस के अंदर, पानी जो है वो बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, बॉडी टेम्परेचर को ठीक रखता है, एंड ब्लड प्रेशर और ब्लड प्रेशर को भी नॉर्मल रखता है। इन प्लांट्स, पौधों के अंदर इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स आर कैरीड फ्रॉम द सॉइल टू द प्लांट्स थ्रू वाटर। और पौधों के अंदर किस तरह से ज़रूरी है कि पानी जो है ना, इसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स पौधों को जो चाहिए होते हैं इसके अंदर डिजॉल्व होते हैं। ठीक है ना, सॉइल के अंदर से जब प्लांट जो है वो पानी को उस रूट के ज़रिए सक करता है, तो वो उसके अंदर, उस पानी के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो प्लांट्स को चाहिए होते हैं, तो इसलिए पौधों के लिए भी पानी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद एयर, एयर इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर टू लिव ऑन अर्थ। नंबर थ्री है एयर, एयर जो है वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, एक इम्पॉर्टेंट एक अहम अंसर है ज़मीन के ऊपर ज़िंदा रहने के लिए, हमारे प्लानट पे ज़िंदा रहने के लिए। ऑल ऑर्गेनिजम्स कैन सर्वाइव ओनली इन पर्टिकुलर रेंज ऑफ एयर, और तमाम जानदार एक ख़ास एयर की एक ख़ास रेंज में जो है ना वो सर्वाइव कर सकते हैं। अगर उससे कम जो है ना वो हवा की रेंज होगी तो उनके लिए रहना मुश्किल होता है। व्हेन द एयर प्रेशर इज़ लो, जब एयर प्रेशर कम होता है, ठीक है, हवा का दबाव कम होता है, स्पेशली इन हायर एल्टीट्यूड, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ब्रीथ बिकॉज ऑफ द इनसफिशेंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट। अच्छा, एयर के अंदर क्या होती है, ऑक्सीजन होती है, और ऑक्सीजन हमें चाहिए सांस लेने के लिए, और जब एयर प्रेशर कम होता है, ठीक है, हवा का दबाव कम होता है, स्पेशली इन हायर एल्टीट्यूड, ज़्यादातर जो है ना हायर एल्टीट्यूड पे, ज़्यादा ऊंची जगहों पे, ऊंचाई वाली जगहों पे, इट इज़ डिफ़िकल्ट, ये मुश्किल होता है टू ब्रीथ, सांस लेना, बिकॉज ऑफ द इनसफिशेंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट, क्योंकि वहाँ पे जो ऑक्सीजन होती है उसकी मिकदार कम होती है, इनसफिशेंट होती है, जो कि हमारे उस जानदार के लिए नाकाफ़ी होती है। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग है टेम्परेचर, नंबर फोर, टेम्परेचर। सम एनिमल्स एंड प्लांट्स कैन बियर एक्सट्रीम कोल्ड, सम सर्वाइव वेल इन मॉडरेट टेम्परेचर रेंज। कुछ एनिमल्स और प्लांट्स ज़्यादा ठंडे इलाकों जो है ना, ज़्यादा ठंड वो बर्दाश्त कर लेते हैं, बियर मीन होता है बर्दाश्त करना। सम सर्वाइव इन मॉडरेट टेम्परेचर, और कुछ ऐसे होते हैं जो कि मॉडरेट टेम्परेचर रेंज पे सर्वाइव करते हैं, यानी वो ना जो है वो बहुत कम टेम्परेचर पे सर्वाइव नहीं कर सकते, नहीं ज़िंदा रह सकते। सूटेबल टेम्परेचर एक्टिवेट्स द इंटरनल बॉडी फंक्शंस,
सूटेबल जो टेम्परेचर होता है, यानी उनकी बॉडी के साथ जो सूट कर रहा होता है टेम्परेचर, वो उनके इंटरनल बॉडी फंक्शंस को एक्टिवेट करता है। यानी अगर कोई ऐसा प्लांट है जिस जो जो है ना वो दरमियाने दर्जा हरारत में ग्रो करता है, दर्जा हरारत वाले इलाकों में ग्रो करता है, अगर उसको हम ज़्यादा ठंडे इलाके में उसको हम ग्रो करेंगे, उसको हम वहाँ पर लगाएंगे, तो वहाँ पर वो सर्वाइव नहीं कर सकेगा। क्यों? क्योंकि ज़्यादा ठंड जो है ना उसके अंदर के जो टिश्यू है ना उनके अंदर जो पानी है वो ज़्यादा ठंड की वजह से वो पानी कंडेंस हो जाएगा, जम जाएगा, और इस वजह से उसका जो उसके जो टिश्यूज़ हैं वो डैमेज हो जाएंगे, वो ख़राब हो जाएंगे। और इसी तरह से अगर हम उसको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर वाली जगह पे ग्रो करवाएंगे, वहाँ पे लगाएंगे, तो क्या होगा कि उसका जो उसके जो टिश्यूज़ हैं वो उनके अंदर क्या होगी, डिस्टर्बेंस होगी और वो ख़राब हो जाएंगे, जिसकी वजह से वो जो प्लांट वो ज़िंदा नहीं रह पाएगा। इट इन्हांस द ग्रोथ इन प्लांट्स एज वेल। ये जो टेम्परेचर होता है ना, ये पौधों की जो ग्रोथ है उसको इन्हांस करता है, उसको इंक्रीज़ करता है, ठीक है। टेम्परेचर जो है एक हद से ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो पौधों को डैमेज कर देता है, एक हद तक टेम्परेचर जो है वो पौधों की ग्रोथ में हेल्प करता है, उसको बढ़ाता है। नेक्स्ट पॉइंट है सॉइल। सॉइल इज़ द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। आपको पता है कि जो ज़मीन की सबसे ऊपर वाली तह है उसको हम सॉइल कहते हैं, ठीक है। जो हमें नज़र आती है उसको हम क्या कहते हैं, जिस पर हम चलते हैं, पौधे ग्रो करते हैं, उसको सॉइल कहते हैं। अपर मोस्ट का मतलब होता है सबसे ऊपर, लेयर तह, तो सबसे ऊपर वाली ज़मीन की जो तह है उसको हम सॉइल।